दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं पहुंचा हूं लैंड फोर्स दशमेश अमरगढ़ पंजाब में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रोटरी वीडर मशीन। दोस्तों इस मशीन के बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ हैं विक्रमजीत सिंह जी, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी ओर से सारे दर्शक भाई और किसान वीर को नमस्कार है जी। सर आज हम क्या लेकर आए हमारे किसान भाइयों के लिए? आज हम लेके आए हैं रोटरी वीडर मशीन है जे वाली मशीन हमारी कॉटन और शुगर केन गन्ने में जो बेहतरीन चलती है। जैसे कॉटन और गन्ना बड़ा हो जाता है, 2.5 से 3 फीट की जब फसल हो जाती है उसके बीच में साथ में जो नदीन रहते हैं उसको निकालने के लिए, उसकी जुताई करने के लिए इस मशीन का हम प्रयोग वहाँ पे करते हैं। सर मैं देख रहा हूँ हमारे पास दो मशीनें पड़ी हैं और इसमें तो और इस मशीन में क्या फ़र्क है? जैसे ये 2 रो वाली है, 2 रो वाली है, इसमें जो फसल लगी होगी हमारी कम से कम 30 इंच से जो ज़्यादा बड़ी लगती है, ज़्यादा गैप पे लगती है, 30 हो गया, 32 हो गया, 36 इंच तक जो गैप में फसल लगेगी उसमें ये 2 रो वाला रहेगा। और जैसे ही हमारा गन्ना रहता है 20 इंच पे, 22 पे, 24 पे, 26 तक का, उसके लिए ये हमारी 3 रो वाली मशीन चलती है। इसमें ये पूरा जो उसका वर्किंग वाला है ये एडजस्टेबल रहता है, हमारा ये फोल्डेबल है, इसको हम इसकी चौड़ाई को कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे हमने फील्ड में इसको यूज़ करना है। और सर इसमें मैं आगे देख रहा हूँ भी ये इसको कम ज़्यादा करने के लिए दिया गया है यहाँ पे जे वाली, इसकी जो पूरी एडजस्टमेंट दे के रखी हुई है, इसमें पेन ड्राइव के लिए ये हेक्सागोनल शाफ्ट लगा के रखी हुई है हमने। और इसको जैसे रो टू रो स्पेसिंग हमने कम और ज़्यादा करनी है, इसको जहाँ से हम ये बोल्ट को लूज़ करके इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं दूर भी कर सकते हैं और नज़दीक भी लेके जा सकते हैं। और इसमें सर ये आगे दिया गया इसके में, और इसमें दूसरा आगे जो ये वाला हम इसको डेप्थ कंट्रोल व्हील बोलते हैं, हमारे को जितना गहराई वहाँ पे फील्ड में चाहिए, जितना गहरा हमने उसको जुताई कर रहे हैं उसके लिए हम इसकी साथ में एडजस्ट करके यहाँ से इसको घुमा के पूरा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ में ये बैक पे हमने टाइन लगा के रखी हुई है ताकि जो बीच में इसके कहीं पे भी जगह ज़्यादा हार्ड रहती है वहाँ पे वो जगह वहाँ पे बचे ना, उसके लिए इसको टाइन लगा के रखी हुई है, वो आगे से साथ के साथ वो कल्टीवेशन का काम करती है। और सर इसमें जो ब्लेड यूज़ होते हैं ये कौन सी क्वालिटी की होती है? जो ब्लेड लगे हुए हैं हमारे इसमें ये बॉर्न स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं, बेस्ट क्वालिटी के लगे हुए हैं, लाइफ इनकी ज़्यादा रहती है। और ये क्या सिस्टम दिया गया सर इसमें? और ये साथ में इसके ये सॉकर सिस्टम दे के रखा हुआ है, जैसे कहीं पे जिमें ज़्यादा हार्ड वगैरह आ जाती है जी वहाँ से जंप भी कर देता है और उसको सस्पेंशन का काम भी करता है साथ में। सर मैंने आपकी ये मशीन देखी है, इसको कितने एचपी चला सकता है अगर किसान भाई ने? ये मशीन हमारी 45 एचपी से अब चलती है, 45 पे 50-55 तक किसी भी ट्रैक्टर के साथ में हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सर किसान भाइयों के लिए एक सवाल रहता है सब्सिडी का, उसके बारे में जानकारी देंगे भी ये क्या मशीन सब्सिडी? ये हमारी गवर्नमेंट की ओर से ये अप्रूव्ड है, 2 रो और 3 रो वाली, पूरे इंडिया में कहीं पे भी हमारी सब्सिडी रहती है वहाँ पे ये अप्रूव्ड है, वहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी। सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अगर किसान भाई ने जो मैं दर्शक देख रहे हैं उन्होंने ये मशीन लेनी हो तो कैसे ले सकता है? हमारा पूरा ओवरऑल इंडिया में हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है हमारा, वहाँ पे आप हमारे आपके नज़दीक कहीं पे भी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाके मशीन की डिमांड कर सकते हो, जैसे आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मशीन आपको मिल जाएगी, आपको 2 रो वाली चाहिए या 3 रो वाली चाहिए वही मिल जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों जे थे विक्रमजीत सिंह जी जिन्होंने हमें रोटरी वाइंडर मशीन के बारे में जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी लैंड फोर्स की लोटरी वाइंडर मशीन लेना चाहते हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पर संपर्क कर इस मशीन को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।